when a more reactive element removes another element having less reactivity from its compound. हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 दैट इज़ योर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक ऐसा पार्ट जो कि आपको एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा, दैट इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें हम लोग ने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में थोड़ा सा जाना, क्योंकि उसका ज़्यादा डिटेलिंग नहीं चाहिए आपको, बट ये जो रिएक्शन है इनका डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके चेकआउट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चार रिएक्शंस की बात करने वाले, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो पहले इनको हम नॉर्मल तरीके से समझेंगे, फिर हम देखेंगे हाउ टू रिमेंबर दिस ऑल द फोर केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग। तो उसके लिए भी आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? एक चीज को दूसरी जगह रिप्लेस करना। डिस्प्लेस मतलब मैं समझो मेरे साथ दो लोग और हैं, दो फ्रेंड है और एक मैं अकेला हूँ, तो मैं अगर जाके वहाँ से एक फ्रेंड को हटा देता हूँ, सपोज ये मैं हूँ ए और यहाँ पर दो फ्रेंड है बी और सी है, फिर मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर जाके मैंने बी को हटा दिया, बी को अपनी जगह से हटा दिया। जो अब बी को अपनी जगह से हटा दिया तो बी गायब हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए एंड सी। मैंने क्या किया, बी का पोजिशन चेंज किया। तो जब भी आप अच्छा कि चेंज कौन करेगा, ध्यान से सुनना, कौन चेंज करेगा, अगर ये पर्सन स्ट्रांग है और ये पर्सन वीक है तब जाके ये इसकी पोजीशन ले सकता है। अगर ये स्ट्रांग नहीं होगा तो ये इसकी पोजीशन नहीं ले पाएगा। इसका मतलब क्या कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें दो लोग आएंगे, एक रहेगा दो, एक स्ट्रांग पर्सन रहेगा, एक वीक पर्सन रहेगा, उसको आप बोलते हो रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी सीरीज, उसकी वीडियोज़ भी बहुत जल्दी आने वाली है, उसको भी मैंने शॉर्टकट एकदम सॉन्ग के फॉर्म में तैयार किया है। रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो स्ट्रॉन्ग, जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है वो वीक। तो सपोज फॉर एन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल की अगर बात करूँ तो फेरस प्लस CuSO4, ये मेरा फेरस है, ये मेरा कॉपर सल्फेट। अच्छा, अब इसके बाद ये डायरेक्टली रिप्लेस नहीं करेगा, ये सबसे पहले क्या बनाएगा, इसका आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, आयन। आयन मतलब क्या, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आएंगे। आयन मतलब क्या, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसमें Fe किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2+ में, और आपका जो कॉपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2+, और ये हो जाएगा SO4 2-। ध्यान देना, इसमें सबसे फर्स्ट बात ये है कि रिएक्टिव एलिमेंट होने चाहिए, रिएक्टिव मेटल होने चाहिए, प्लस उनका ये जो चार्ज है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाएंगे। अब इस कंडीशन में क्या होगा, फेरस मोर रिएक्टिव है, मुझे कहाँ से पता चला, रिएक्टिविटी सीरीज, मोर रिएक्टिव और ये लेस रिएक्टिव है। क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो ये जो मोर रिएक्टिव मतलब ये जो स्ट्रांग पर्सन रहेगा ये इसकी जगह ले लेगा और लेस रिएक्टिव को यहाँ से हटा देगा, तो मतलब जो मेरा रिएक्शन आएगा वो क्या हो जाएगा, FeSO4+Cu। मतलब यहाँ से पहले SO4 के साथ कौन था, कॉपर था, Cu था, अब Fe ने क्या किया, उसको डिस्प्लेस कर दिया। क्यों डिस्प्लेस किया, क्योंकि ये स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है, बिकॉज Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये रिएक्टिविटी सीरीज चेक करनी है तो आप वापस प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज पर पूरी एक वीडियो बनी हुई है। ऐसे रिएक्शंस को जिसमें सिर्फ एक बंदा रिप्लेस हो रहा है, ऐसे रिएक्शंस को आप क्या बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर मेरे को इसका स्टेटमेंट लिखना रहे तो मैं क्या लिखूंगा, अ रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ आयन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज टेकन बाय द आयन ऑफ मोर रिएक्टिव एलिमेंट। प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, यहाँ पर आयन है, आयन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, और इसकी जगह कौन ले रहा है, आयन ऑफ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे, तो फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ये चाहिए तो आप लिख के रख लीजिए, टेक्स्ट बुक का रिएक्शन है आपके, Fe+CuSO4 विल गिव यू FeSO4+Cu, और उसमें भी क्या होगा, Fe क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, और ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ये इसके आयन को डिस्प्लेस करेगा और आपको रिएक्शन देगा FeSO4+Cu। एग्जाम में डायरेक्ट आपको रिएक्शन पूछेंगे और आपको वहां पर पूछा जाएगा विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, तो वहां पर आपको बताने आना चाहिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्बिनेशन। जब मैं कॉम्बिनेशन की बात करता हूं
अभी सिर्फ हम समझ रहे हैं, फिर इसका जो भी बोलते हैं ना डेफिनेशन है उसी को मैंने सॉन्ग के फॉर्म में कन्वर्ट किया। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो लोग आपस में कंबाइन होते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना। तो अगर सपोज मेरे पास हाइड्रोजन है और प्लस क्लोरीन है, ये मिलके मुझे क्या दे देंगे, HCl दे देंगे। हमेशा याद रखना जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है तो इसमें दो रिएक्टेंट रहेंगे। रिएक्टेंट कितने रहेंगे, दो, और कितना प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोडक्ट। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है हाउ मेनी रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आप लिख सकते हो टू और मोर रिएक्टेंट्स कैन बी प्रेजेंट इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कितना प्रोडक्ट मिलता है, एक प्रोडक्ट मिलता है। तो ये जो दोनों रहेंगे, ये दोनों कंबाइन होंगे और आपको क्या बनाकर देंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट। तो यहां पर कैसे लिखते हो, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स, क्या स्टेटमेंट है, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, मिलकर वो क्या बना रहे, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे, देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद हम इसका हमने बात किया, अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन। ये भी बहुत सिंपल है, ये कॉम्बिनेशन का उल्टा है। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, उल्टा करने का है। व्हेन अ सिंगल प्रोडक्ट डिकम्पोज, आपने वर्ड सुना रहेगा, डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना या फिर तोड़ना। तो यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट रहेगा, उसको मैं क्या करूँगा, ब्रेक डाउन करूँगा। तो जब आप एक प्रोडक्ट, सपोज ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है ए बी, अब जब मैं इसे ब्रेक डाउन करूँगा तो मुझे मिलेगा ए प्लस बी, पहले ए बी था, फिर जब मैंने इसको ब्रेक डाउन किया तो ये दो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया। तो व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट, कितना रिएक्टेंट है यहाँ पर, वन रिएक्टेंट, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, दो और दो से ज्यादा प्रोडक्ट, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट, देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में है तो घाई करने की जरूरत नहीं, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर आप खाली कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट का भाई होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग लास्ट में चेकआउट करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि ये तीनों को आप याद कैसे रखते हो। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक ही एलिमेंट का हो रहा था, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दो दो लोगों का होगा। दो दो लोगों का डिस्प्लेसमेंट कैसे, आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल BaSO4 प्लस K2CrO4। अब इसके अंदर क्या है, देखो ध्यान से सुनने का, ये जब दोनों आयन्स बनाएंगे तो ये बनेगा Ba2+ और ये बनेगा SO4 2-, फिर ये जब आयन बनाएगा तो ये बनेगा K2+ और ये बनेगा CrO4-2। अब इसके अंदर क्या होगा, ये बेरियम इधर जाएगा और उसी टाइम पे आपका ये जो पोटाशियम है, पोटाशियम ये इधर आएगा, मतलब आपका जो फर्दर रिएक्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, KSO4 और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, BaCrO4। ये टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है, आपको दिखेगा। तो इसमें क्या हुआ, देखो पहले यहाँ पर, यहाँ से यहाँ गया था बेरियम, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से पोटाशियम उठ के इधर आया। अब इधर दो लोगों का क्या हो रहा है, प्लेस चेंज हो रहा है, मतलब दो लोग क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। इसीलिए ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया। तो चलिए अब देखते हैं कि हाउ टू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ ऑल दिस थ्री टर्म्स, जिसमें हम डबल डिस्प्लेसमेंट का फिलहाल के लिए नहीं कंसीडर करेंगे, ये कंसीडर करेंगे। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो या तो इसमें से डिफाइन का क्वेश्चन आएगा तो आपको डेफिनेशन लिखना है प्लस उसके एग्जाम्पल आपको टेक्स्ट बुक से मिल जाएगा। चलिए देखो इसको गाने के फॉर्म में देखो कैसे कन्वर्ट किया है। व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिमूव्स अनदर एलिमेंट, आप यहाँ पर लिख दीजिए व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ये एक एक पैराग्राफ के हिसाब से जाएगा। व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिमूव्स अनदर एलिमेंट हैविंग लेस रिएक्टिविटी फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज डिस्प्लेसमेंट, तो फर्स्ट आपका खत्म होता है। व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, आपको टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया रहेगा व्हेन अ आयन ऑफ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, तो वो आप उतना थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि लिरिक्स बिठाने के लिए वो पार्ट को मैंने स्किप आउट किया। व्हेन अ आयन ऑफ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिमूव्स अनदर आयन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। हम लोग ने गाने के फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट किया, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिमूव्स अनदर एलिमेंट हैविंग लेस रिएक्टिविटी फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से हटा रहे हो तो उसको आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट। फिर केमिकल रिएक्शन वेर अ सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रोकन डाउन, केमिकल रिएक्शन वेर अ सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रोकन डाउन, सिंगल प्रोडक्ट ने सिंगल रिएक्टेंट is broken down to form two or more product.
केमिकल रिएक्शन वेयर अ सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन. मतलब एक केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट इज योर डीकंपोजिशन रिएक्शन. फिर लास्ट वाला अ केमिकल रिएक्शन वेयर टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉम्बिनेशन. पूरा अगर गाए तो व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिमूव्स अनदर एलिमेंट having less reactivity from its compound is displacement. Chemical reaction where a single reactant is broken down to form two or more product is decomposition reaction. A chemical reaction where two or more reactants combine to form a single product is combination. Combination. ऐसे करके आप ये तीनों स्टेटमेंट्स को याद रख सकते हो. एग्जाम में पूछा तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना है, प्लस उसके साथ आपको उसका एग्जाम्पल एक एक याद रखना है. कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल है, आप इसे याद रख सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया FeSO4 वाला, Fe प्लस CuSO4, और एक एग्जाम्पल वहाँ पर रहता है Pb प्लस CuSO4. सेम रिएक्टिविटी सीरीज आप चेकआउट कर लेंगे तो इस पे आपको क्वेश्चन या तो डिफाइन का मिलेगा, या तो फिर आपको बोला जाएगा कि रिएक्शन दे देंगे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन और कौन सा रिएक्टेंट है. अगर ये रहेगा तो इसमें आपको बोलेंगे कि कौन सा मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है. अगर ये दोनों पार्ट रहेंगे तो हाउ मेनी रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी टोटल, कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, वो सब वैसा क्वेश्चन आपको पूछेंगे. डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन आपको बताया, डबल डिस्प्लेसमेंट में नॉर्मली ये रिएक्शन आता है BaSO4 प्लस K2CrO4 वाला, ये भी आपको टेक्स्ट बुक में रिएक्शन दिया हुआ है. डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन जो रहेगा वो इसके जैसा ही है. व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिमूव्स अनदर, व्हेन आयन ऑफ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द आयन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, बट इसमें क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, दो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, इसीलिए इसका जो पार्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट का वो आपका इसी में आ गया है. दो उधर खाली आपको वर्ड लिखना पड़ेगा, टू डिस्प्लेसमेंट्स होंगे इसकी वजह से. डायरेक्ट इसका डेफिनेशन आपको, डबल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन नहीं पूछते एग्जाम में, वापस एक बार सुन लीजिए. व्हेन अ मोर रिएक्टिव element removes another element having less reactivity from its compound is displacement. Chemical reaction where a single reactant is broken down to form two or more product is decomposition reaction. A chemical reaction where two or more reactants combine to form a single product is combination. Combination. आई होप आपको ये गाना पसंद आ रहेगा. प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. अगर आपने वीडियोस को अभी तक और भी चैनल पे जो वीडियोस अपलोडेड है वो नहीं गो थ्रू किए तो प्लीज़ वहाँ पर भी चेकआउट करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर.